सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में आधी पढ़ाई गई अर्थ के आधार पर वाक्य भेद उसे आज मैं पूरा करूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में बताई थी आप लोगों को वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, क्या क्या, फिर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का कुछ भेदों की चर्चा भी की थी। बाकी बचे जो भेद हैं उनकी चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, पिछली कक्षा में बताई थी 8। ठीक है, तो वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक, वाचक, छठा है आपका इच्छावाचक, सातवा है संकेतवाचक, आठवा है संदेहवाचक। तो पिछली कक्षा में मैं 3 पढ़ाई थी। पहला था आपका विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक और तीसरा आपका प्रश्नवाचक। तो विधानवाचक क्या था, जो होती आ रही है, हो चुकी है, जिसे हम बदल नहीं सकते, वो है आपका विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक, निषेधवाचक जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नहीं से आप जान पाएंगे, नहीं शब्द से जान पाएंगे कि वो निषेधवाचक वाक्य में जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी कि जहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयुक्त किया गया हो, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो जानिएगा आप लोग प्रश्नवाचक। अब जानेंगे हम आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। चलिए शुरू करते हैं आज्ञावाचक से। यहाँ लिख रही हूँ मैं, आप लोग देख के लिखिए। ठीक है, तो चौथा है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में किसी आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, इस तरह के वाक्य जहाँ आते हैं आप जान जाइएगा कि वो आज्ञावाचक में जाएंगे। तो लिख लीजिए, जिन वाक्यों में आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। भेदों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो भेदों का भी मैं आप लोगों को परिभाषा लिख रही हूँ, उसको आप लोगों को सिर्फ लिख के नहीं रखना है, उसे घर पे जाकर अच्छे से याद भी करना है। तो आइए उदाहरण जानते हैं। उदाहरण, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए,
ये सारे उसके उदाहरण हैं। इस तरह के वाक्य जहाँ आएंगे आप जान जाइएगा कि वो आज्ञावाचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, आपका पांचवा है विस्मयादि वाचक। तो पांचवा क्या है? विस्मयादि वाचक। ऐसे वाक्य जिसमें किसी गहरी अनुभूति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। गहरी अनुभूति का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो अनायास आपके मन से निकलता हो, किसी चीज़ को देखकर, किसी बुरी हालत को देखकर, किसी अच्छी फूल वगैरह पेड़ पौधे को देखकर जो अनायास आपके मुख से निकलता है जो शब्द, उसे कहते हैं गहरी अनुभूति। ठीक है, जो आपके मन से निकलता हो। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में किसी गहरी अनुभूति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी गहरी अनुभूति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण के लिए मैं इधर का मिटा रही हूँ, आप लोग आशा है आप लोग लिख चुके होंगे, ये इसे मिटा रही हूँ। ठीक है, तो विस्मयादि वाचक का हम उदाहरण जानेंगे। उदाहरण है जैसे कि आहा आहा कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। है कि नहीं? अभी हम आहा को हटा कर भी लिख सकते थे कि कितना सुंदर फूल है, लेकिन आहा हमने क्यों लगाया? जैसे कि मैं बताई गहरी अनुभूति, किसी चीज को देख के अनायास आपके मुख से क्या निकल गया? आहा कितना सुंदर फूल है। ठीक है, उसी तरह और एक उदाहरण, ओह ओह कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। तो इतनी ठंड है कि आपके मुख से क्या निकल गया? ओह, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको, तो आप ओह का प्रयोग किए हैं, यानी कि ओह गहरी अनुभूति का प्रयोग आपने किया है। आगे बढ़ते हैं, विस्मयादि वाचक के बाद कौन सा था? पांच के बाद छठा क्या था आपका? आज्ञावाचक, आज्ञावाचक सॉरी इच्छावाचक, इच्छावाचक। तो अभी इच्छावाचक क्या है? जिन वाक्यों से किसी इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आइए लिख लेते हैं, जिन वाक्यों से किसी इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण जानेंगे। उदाहरण क्या है आपका? भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। और एक जानते हैं, और एक देख लेंगे उसी तरह, नव वर्ष मंगलमय हो। क्या है आपका? नव वर्ष मंगलमय हो। ठीक है, ये सारे आशीर्वाद इच्छा आकांक्षा इन सब के अंतर्गत जाती है। तो उससे क्या पता चलता है? ये इच्छावाचक वाक्य है।
आइए उधर का मिटा रही हूँ मैं, आशा है आप लोग लिख चुके होंगे। छठा के बाद सातवां है आपका संकेतवाचक। सातवां है आपका संकेतवाचक। अभी संकेत का क्या अर्थ है, साइन है कि नहीं, संकेत का क्या अर्थ है, साइन। तो संकेत किसी भी वाक्य से आपको अगर किसी भी प्रकार के संकेत का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इशारे, ठीक है, किसी तरफ इशारा करके बोली जाए उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक। तो लिख लेते हैं, जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अभी इसका उदाहरण क्या होगा, संकेत यानी कि किसी तरफ आपको साइन करके बोलनी है, जैसे कि राहुल का घर उधर है, आप उंगली से इशारा करके बोल रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि राहुल का घर उधर है, ठीक है। तो चलिए उदाहरण क्या लिखेंगे हम, राहुल का घर उधर है। तो जितनी भी इशारा करके इधर उधर उस तरफ इस तरह के शब्द अगर प्रयुक्त किए गए हों तो वो किस में जाएंगे, आपके संकेतवाचक में जाएंगे। आखिरी है आठवां, क्या है आपका, संदेहवाचक। संदेह का क्या मतलब होता है, डाउट, किसी के ऊपर डाउट करने को कहते हैं ना, संदेह करना, ठीक है। तो संदेहवाचक क्या है, किसी भी वाक्य से किसी भी प्रकार का अगर संदेह का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का संदेह का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण, शायद कल वर्षा होगी, आपको नहीं पता कि वर्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन आपने शायद संदेह के तौर पे लगाया है, शायद कल वर्षा होगी। तो उदाहरण क्या है आपका, शायद कल वर्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ आपके भेदों की परिभाषा उनके उदाहरण के साथ में समाप्त की। अभी जानेंगे इन भेदों को रूपांतरण कैसे करते हैं, भेदों का भेदों के साथ रूपांतरण कैसे करते हैं। जैसे कि इच्छावाचक है, इच्छावाचक से संकेतवाचक में कैसे रूपांतरण करेंगे वाक्य को, इसी तरह का प्रश्न आपके बोर्ड में आएगी, आपके जो परीक्षा है उसमें आएगी। चलिए ये सब मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, इधर का मिटा रही हूँ, इधर का शायद आप खत्म नहीं किए होंगे तो इधर का नहीं मिटा रही हूँ। चलिए अभी जानेंगे वाक्य रूपांतरण, मैं सिर्फ एक वाक्य लिखूंगी, उसी एक वाक्य से हम रूपांतरण करेंगे सभी भेदों का, ठीक है। तो वाक्य क्या है, तो वाक्य है आपका, माली ने फूल तोड़े, क्या है, माली ने फूल तोड़े।
पहले तो हम जानेंगे कि ये किस भेद में जाता है। माली ने फूल तोड़े, वो किस भेद में जाता है? माली ने फूल तोड़ लिया, ठीक है, वो हो चुका। हो गई हुई चीज़ों को जिसमें आती है, जिसके अंतर्गत आती है, वो क्या है आपका? विधानवाचक, जो हो चुकी है, जिसे हम बदल नहीं सकते। अब वो फूल को जाके लगा तो नहीं सकते उसमें, है ना, तो वो तोड़ चुके हैं, हो चुकी है, तो वो होगी क्या आपकी? विधानवाचक। ये वाक्य है आपका विधानवाचक में, ठीक है। तो अभी हम इसे बदलेंगे, पहले हम इसे बदलेंगे निषेधवाचक में। निषेध का क्या बताई थी मैं? जहां नहीं का प्रयोग किया जाता है, तो इसे बदल कर बताइए निषेध वाक्य, निषेध में, ठीक है। अभी इसी वाक्य को हम निषेधवाचक में नहीं लगाकर बदलेंगे, तो क्या होगी वाक्य? माली ने फूल नहीं तोड़े, क्या होगा? माली ने फूल नहीं तोड़े, माली ने फूल नहीं तोड़े। प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में कि मान लीजिए वाक्य जैसे मैं दी हूँ, माली ने फूल तोड़े, तो वो विधानवाचक में है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगी इस विधानवाचक वाक्य को आप निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो आपको इसी तरह परिवर्तित करना है, परिवर्तन करना है, चलिए, ठीक है। अभी निषेधवाचक के बाद हम करते हैं प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक का मुख्य क्या है, उसका नियम क्या है? जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और जहाँ कहाँ कौन कैसे इस तरह का शब्द प्रयोग किए गए हों। जैसे कि माली ने फूल तोड़े, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माली ने क्या तोड़े, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? माली ने क्या तोड़े। तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा? आपका वाक्य सही है या गलत होगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है, वरना वाक्य गलत हो जाएगा। अभी हम बदलेंगे इसे संकेतवाचक में। संकेतवाचक में बदलेंगे, वही ऊपर वाले वाक्य को संकेतवाचक में बदलेंगे। तो संकेतवाचक का नियम क्या है? जिन वाक्यों से किसी संकेत का बोध होता है, जैसे कि उदाहरण क्या दी थी? राहुल का घर उधर है, तो उसी तरह क्या कहेंगे? उस माली ने फूल तोड़े, ठीक है, हम ऐसे इशारा करके बोलेंगे, उस माली ने फूल तोड़े, ठीक है। अब आखिरी करते हैं हम संदेहवाचक का। संदेहवाचक, तो संदेह यानी कि डाउट का आएगा सेंस, तो क्या लिखेंगे हम? शायद माली ने फूल तोड़े होंगे, हमें पता नहीं है कि उन्होंने फूल तोड़ा है या नहीं, फूल तोड़े होंगे, तो मैं आज ख़त्म किया आपका अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण। आप लोगों का ये गृह कार्य है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उनकी भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे, उससे जुड़े उदाहरणों को समझेंगे और रूपांतरण आप अपनी मर्जी से किताब देखकर रूपांतरण खुद से करने की प्रयास कीजिए। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इससे जुड़ी कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके साथ एक नया पाठ पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, बैठ जाइए आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपका पाठ्यपुस्तक कक्षा सातवीं की पाठ्यपुस्तक साक्षी का पहला पाठ, जो कि कभी हार नहीं होती, उसे पढ़ाऊंगी, उस कविता को पढ़ाऊंगी और उसे समझाऊंगी भी। तो कविता का नाम क्या है? कभी हार नहीं होती।
जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। ठीक है, तो कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। कविता शुरू करने से पहले कवि परिचय जान लेंगे। तो कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन, जिनका पूरा नाम था हरिवंश राय श्रीवास्तव, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर क्या किया? बच्चन किया। बच्चन क्यों किया, उस विषय में जानेंगे। तो उनका जन्म सन 1907 27 नवंबर अलीगढ़ के, ठीक है, अलीगढ़ के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो क्या है उनका जन्म जानेंगे। जन्म उनका 27 नवंबर 1907 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें बच्चन बच्चन लोग कहकर पुकारते थे। बच्चन का शाब्दिक अर्थ है बच्चा, जब छोटे बच्चे होते हैं ना उसको बच्चन बच्चन कहकर पुकारते हैं। वही बाद में चल के उन्होंने अपना उपनाम रख लिया बच्चन, मतलब अपने नाम से श्रीवास्तव हटा के उन्होंने बच्चन जोड़ लिया। उनके सारे लेखनियों में, सारे कविताओं में उन्होंने बच्चन ही लिखा है, मतलब हरिवंश राय बच्चन। बाद में सभी लोग उन्हें उसी नाम से जाने, उनके बच्चे जैसे कि अमिताभ जी का नाम भी अमिताभ बच्चन ही है जो कि चलता आ रहा है। वे अवधी और हिंदी भाषा में लेख लिखा करते थे। उनकी प्रमुख कृति थी श्यामा। क्या थी प्रमुख कृति थी उनकी? श्यामा, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जिसके वजह से उन्हें कई सारे पुरस्कार भी प्राप्त थे। और उसके बाद उनकी मृत्यु सन 2003 को 18 जनवरी सांस की दिक्कत के कारण, सांस न ले पाने के कारण मुंबई में हुई थी। 2003 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए कवि परिचय तो उनकी मृत्यु में लिख देती हूँ। 18 जनवरी मृत्यु 18 जनवरी सन 2003 में सांस न ले पाने के कारण, सांस न ले पाने के कारण। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अभी पाठ को पहले पंक्तियाँ पढ़ लेंगे फिर उसे समझेंगे। ठीक है, तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसकी पहली पंक्तियाँ हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर नौका चालक लहरों से डर जाए और नौका को बीच में ही छोड़ दे तो वो पार नहीं आ सकता। उसके बजाय क्या होगा, वो वहीं पे डूब के मर जाए। अब वहीं पे रुक के तो नहीं रहेगा ना, वो कभी ना कभी लहरें उसे डुबो ही देंगी अगर उसका वो सामना न करे तो। तो यहाँ इसीलिए दिया गया है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान हमेशा प्रयत्न करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, उसकी हार, वो हार कभी देखेगा नहीं, उसकी हार कभी होगी नहीं। तो मान लीजिए नौका मनुष्य है और लहरें मुसीबतें हैं। ठीक है, तो हम मनुष्य अगर मुसीबतों से डर कर किसी कार्य को करने से मना कर दें या ना करें तो हम उस कार्य में कभी क्या नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। तो हमें सर्वदा कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम हार का मुख ना देखें। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है नौका और एक है कोशिश। कठिन शब्दार्थ लिख लेते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं, क्या है, नौका और कोशिश।
नौका के क्या है अर्थ बताइए? नाव। वेरी गुड। नौका का नाव, कोशिश का वेरी गुड, कोशिश का प्रयत्न। इसमें इन दो वाक्यों में एक और शब्द है हार, तो हार का हम लिखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, हार का विलोम शब्द क्या है? जीत। जीत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटियों को आपने देखा होगा एक कतार से दीवार पर चढ़ती हैं, देखा है ना आप लोगों ने? चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब वो चढ़ते हैं ऊपर तो आपने देखा होगा उनमें से कई चींटियां क्या होती है, नीचे गिरती हैं, लेकिन वो गिरने के बाद वहीं पे रुक जाती हैं या उनका रास्ता मोड़ लेती हैं? वो नहीं, वो फिर से कोशिश करती हैं उसके ऊपर जाने के लिए। बार बार गिरती हैं लेकिन वो बार बार चढ़ती हैं, ऐसा वो क्यों करती हैं? चींटियाँ कतार में जाती हैं, बार बार गिरती हैं, फिर उठकर उसी कतार में जाती हैं, क्यों करती हैं ऐसा? क्योंकि उनकी मंजिल, उनकी लक्ष्य वही है, इसीलिए वो उसको मतलब छोड़कर किसी दूसरे राह पर नहीं जा सकती, इसीलिए वो बार बार गिरती हैं फिर भी उसी रास्ते वो चढ़कर ऊपर जाती हैं। उसके बाद देखिए, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। उनके मन में क्या होता है? विश्वास होता है कि मैं उस लक्ष्य तक पहुँच कर ही रहूँगी, मैं पहुँच सकती हूँ। चींटियों से हमें सीखना चाहिए, बार बार किसी भी कार्य में असफल होने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए उसको बार बार करनी चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती उस कार्यों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों की दिक्कत क्या है? आप लोग एक बार उस कार्यों को करते हैं, उसमें असफल जब होते हैं तो आप लोग दूसरी बार उसे कोशिश नहीं करते। कुछ की बात कर रही हूँ, सभी की नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं एक बार में ही वो सफल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मन का विश्वास चाहिए, मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि हाँ मैं ये कार्य कर सकती हूँ या सकता हूँ, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकता हूँ या सकती हूँ। तो उसके मन में भी विश्वास है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचेगी, इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वो ऊपर चढ़ती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। किसके लिए न अखरता? अखरना का अर्थ क्या है? देखिए, अखरना, अखरना यानी कि बुरा लगना। अखरना का अर्थ क्या है? बुरा लगना। तो क्या बताया गया है? चढ़कर गिरती है वो बार बार, गिरकर चढ़ती है वो बार बार, फिर भी उसे बुरा नहीं लगता। किसे बुरा नहीं लगता? चींटी को। मान लीजिए वो चींटी मनुष्य है, मनुष्य का उदाहरण मतलब चींटी का उदाहरण देते हुए वो मनुष्य को ऐसा कह रहे हैं। तो हमें भी जब हम मन में ठान लिए हैं कि उस कार्यों को हम पूरा करेंगे, बार बार हारने के बजाय भी मतलब उसके बावजूद भी हमें वो बुरा नहीं लगता, हमें वो चीज़ अखरता नहीं है, क्योंकि हमें हमने मन में ये तय करके रखा हुआ है कि मुझे वो लक्ष्य को पाना है। तो बुरा क्यों लगेगा? बार बार गिरने के बावजूद भी आपको बुरा नहीं लगेगा, असफल होने के बावजूद भी बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पे एक शब्द है विश्वास, ठीक है? विश्वास का विलोम शब्द बताइए। अ लगेगी, अ विश्वास, अविश्वास, ठीक है। चलिए, उसके बाद गया, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आगे, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसकी मेहनत बेकार नहीं होती? मनुष्य की, जिस मनुष्य ने मेहनत की है, जिस मनुष्य ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की निर्णय की है, या फिर पहुंचने का यह मतलब उसके मन में वो विश्वास बना कर रखा है, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते और अंक कम आने पर कहते हैं कि क्यों आई मेरे अंक कम, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की।
ठीक है, तो मेहनत करना आवश्यक है। तो जो मेहनत नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं वो अपने अंक देखकर क्या करते हैं, छोड़ो मैं तो मेहनत नहीं किया था, मेरे अंक नहीं आए। कुछ होते हैं मेहनत नहीं करते हैं फिर भी पूछते हैं कि मेरे अंक क्यों कम आए, ठीक है। और कुछ जो मेहनत किए होते हैं उनकी मार्क मतलब जो अंक आती हैं तब उन्हें यह संतुष्टि होती है कि चलो मैंने इतना मेहनत किया था तो मुझे इतने अंक आए हैं, इतने अंक प्राप्त हुए हैं। बस वही बोले हैं कि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक उम्मीद भी रखना किसी चीज़ के लिए वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते जाइए। लक्ष्य तक पहुंचना तय है, आपको कभी हार का मुख देखनी नहीं पड़ेगी आप अगर कोशिश करते रहे तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी बचा हुआ पाठ का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपका गृह कार्य क्या है लिख लीजिए, गृह कार्य कविता पाठ करेंगे, कविता पाठ करेंगे, उससे जुड़ी शब्दार्थ याद करेंगे। अगली कक्षा में मैं याद किया हुआ शब्दार्थ पूछूंगी, ठीक है, आप लोग बताइएगा, और बाकी बचा हुआ जो पाठ है उसको हम ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।